और शिवशक्ति वृद्धाश्रम पर अपना घर की स्थापना की गई है, जिसमें वृद्ध असहाय एवं मानसिक रूप से पिछुब्ध व्यक्तियों को उपचार दिया जाएगा तथा रहने और खाने की व्यवस्था संस्था द्वारा निशुल्क रूप से की जाएगी। पेश है ये रिपोर्ट। शक्ति वृद्धाश्रम समिति द्वारा अपना घर का आज शुभारंभ किया गया। भरतपुर की संस्था द्वारा अपना घर और शिवशक्ति वृद्धाश्रम के संयुक्त तत्वाधान में इस पहल की आज शुरुआत की गई, जिसमें वृद्ध असहाय निर्धन एवं मानसिक रूप से परेशान लोगों को उपचार, रहना और खाना निःशुल्क मिलेगा। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री एसपी सिंह बघेल भी मौजूद रहे। साथ ही मुकेश कुमार गुप्ता मामा और अनिल होटल के मालिक अनिल अग्रवाल भी मौजूद रहे। तमाम समाज के उद्योगपति और गणमान्य लोग और सामाजिक संस्था के पदाधिकारी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। सभी ने संयुक्त रूप से इस कार्यक्रम की पहल को एक धार्मिक कार्य की शुरुआत बताया। लोगों ने कहा कि इस तरह के स्थापना होने के बाद लोगों को कहीं ना कहीं अब सुकून मिलेगा। ऐसे लोग जिनको असहाय और निर्धनता के आधार पर उपचार नहीं मिलता था, रहने की व्यवस्था नहीं मिलती थी, खाने की व्यवस्था नहीं मिलती थी, अब उनको एक ही छत के नीचे सारी सुविधाएं निःशुल्क दी जाएंगी। शिवशक्ति वृद्धाश्रम समिति रोजाबाद के द्वारा अपना घर भरतपुर के द्वारा संचालित यह आश्रम हम लोगों ने आज इसका विधिवत उद्घाटन किया है। इसका हमने आज विधिवत उद्घाटन किया है। आज इसमें हमने 25 प्रभु जी, जिनको की जो वृद्ध हैं, जो लावारिस हैं, सड़कों पे पड़े रहते हैं, उन लोगों को हम यहाँ लेके आए हैं और उनके यहाँ पर रहने, खाने पीने, कपड़ों की सारे व्यवस्थाएं करी है। 50 प्रभु जी को हम रखना है, उनके लिए यहाँ हमारे पास पूरा इंतजाम है। शहर के सभी दानदाता के सहयोग से यह संस्था चल रही है और मैं उनसे उम्मीद करता हूँ कि वो हमको आगे भी इसी तरह आज की तरह ही सहयोग करते रहेंगे। भरतपुर से अपना घर के संस्थापक बीएम भारद्वाज जी यहाँ पधारे हुए हैं। वो बहुत ही नेक दिल और उन्होंने हमको सहयोग देके हमारी यह संस्था आज शुरू कराई है। धन्यवाद।